लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं? परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने के लिए। अच्छा, तो मतलब ये तो क्रिश्चियंस की मीटिंग है ना? डेफिनेटली, एक्चुअली मोस्टली ईसाई धर्म से नहीं, सब बिलीवर्स हैं। क्रिश्चियनिटी हमने एक रिलीजन बना दिया है, बट बिलीवर्स ये हैं जो परमेश्वर के नाम के ऊपर विश्वास करते हैं, यीशु नाम के ऊपर विश्वास करते हैं। ओके, तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि यहाँ पर ईसाई धर्म के अलावा और भी धर्म के लोग हैं? जी। तो क्या उनको पैसे दिए गए यहाँ पे आने के? नहीं। तो यहाँ पर मतलब किस लिए आए हो? परमेश्वर का नाम ऊंचा करने। आप भी क्रिश्चियन हैं? हाँ जी। कौन से क्रिश्चियन हैं? मतलब क्रिश्चियंस में तो कई तरह के डिनोमिनेशन होते हैं ना? पेंटिकॉस्टल। तो क्या आपको ये धर्म परिवर्तन करने के लिए पैसा मिला है या? नहीं, क्या? नहीं। तो क्योंकि हम लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह में। यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। तो मतलब किसी ने आपको बरगलाया या आपको कुछ सिखाया ऐसा कुछ? नहीं। तो आपको कैसे हुआ यीशु मसीह पर विश्वास? जब हमने उनसे प्रार्थना करी, उनके ऊपर विश्वास करना शुरू करा, तो हमारे जो हमारी चीज़ें हैं जिनमें हम बदलाव चाहते थे वो हुई। तो ऐसे लेके अपना धर्म बदल लिया या किसी और लालच से, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? ऐसा कुछ भी नहीं है, जो लोग भी करते हैं वो अपनी मनमर्जी से करते हैं, और ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है कि पैसे दिए जा रहे हैं। आपका नाम क्या है? माय नेम इज शेल्जा। ओके, तो आप भी क्रिश्चियन रिलीजन में कन्वर्ट हुए हैं या बॉर्न क्रिश्चियन हैं आप? बॉर्न क्रिश्चियन हैं आप? यस। ओके, तो मतलब ये सब लोग जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं ये पैसे देके इकट्ठे हुए हैं? नहीं, सब अपनी मर्जी से आए हैं। नॉन क्रिश्चियंस भी गए, क्रिश्चियंस भी है इसमें, और सारे अपनी मर्जी से आए। किसी को इस बात के लिए फोर्स नहीं किया गया कि वो पैसे लेके यहाँ पे आके इस रैली को ज्वाइन करें। है कि ये बेसिकली धर्म अपनाया गया है या यीशु मसीह की सच्चाई को अपनाया गया है? सच्चाई को अपनाया गया है। मैं यीशु मसीह पर ऐसा विश्वास करता हूँ कि अगर आप राई के दाने पे जितना राई का दाना उतना भी थोड़ा विश्वास यीशु में लाते हैं तो आपके जीवन में प्रभु काम करना शुरू करेगा। आपको पैसे दिए किसी ने? बिल्कुल भी नहीं। धर्म परिवर्तन कराया जबरदस्ती? नहीं नहीं, कोई लालच दिया हो राशन का, चावल का? हमारे जीवन में काम किया तब हम खुदा में आए। आप कोई डराएगा तो प्रभु को छोड़ दोगे? हम उसकी बात लगा देंगे जो डराएगा। मेरा नाम दारा मसीह है। अच्छा, तो आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं? मैं यहाँ प्रभु यीशु मसीह के जो शुभ समाचार वचन है लोगों को बताने के लिए आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह को इसलिए ग्रहण किया है कि मुझे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार मिलता है। ये वो ये बोलते हैं कि हम या तो पैसों के लालच में या किसी और लालच में हम अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, ऐसे लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है? नहीं नहीं, ये लोग जो ये गलत अफवाह उड़ाते हैं, ठीक है जी, तो कई जो प्रभु यीशु मसीह को सच्चाई जानते हैं उनको कोई लालच नहीं है, उन्होंने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया जैसे उन्होंने पूरे संसार के लिए दिया। हम कई सालों से आ रहे हैं यहाँ पे, फिर किसी को कोई पैसा नहीं किसी को दिया जाता। नीटू। नीटू, आप कहाँ से? मैं सर यहाँ तो यहाँ से पड़ोल से ही हूँ, पिंड पड़ोल। तो आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए? यहाँ पे सर शोभा यात्रा में आए हुए हैं। पैदाइशी ईसाई है? नहीं सर, मैं बीमार था। अच्छा जी, तो सर मेरे को फिर जो इधर उधर ले गए मेरे घर के पैसे बहुत बहुत लग गए, कुछ नहीं हुआ, मेरा कोई आराम नहीं आया कहीं पे भी जाकर। फिर कोई बंदा था, मुझे चर्च ले गया, चर्च ले जाकर मेरे लिए प्रार्थना हुई सर, मैंने कोई पैसा नहीं दिया ना मुझे कोई पैसा उन्होंने दिया, मेरे लिए प्रार्थना हुई, मैं ठीक हो गया, आज मैं ठीक हूँ, मेरा परिवार बच गया उधर जाने से। ये धर्म की कोई बात नहीं सर, धर्म तो हम लोगों ने बनाया, रब का कोई धर्म नहीं है, वो सबके लिए एक है। जो लोग कहते हैं कि आप पैसे लेके, नहीं 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 वो तो गलत है जी, वो गलत है। बारे में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं तो यही मैसेज देता हूँ जी, वो सब रोंग है, रोंग बातें करते हैं, कुछ नहीं, मैं उसका बहुत बहुत शुक्र गुजार हूँ, मैं सच्चे रब को मानता हूँ, चाहे मुझे मौत आ जाए या कल आ जाए मैं प्रभु को नहीं त्यागूंगा। भी मतलब इनके साथ प्रभु पे विश्वास करते हैं? हाँ जी, मैं विश्वास करती हूँ इनके वाइफ हूँ मैं। तो अगर अगर समझो अगर कुछ लोग आपको आके मारे धमकाए तो क्या आप छोड़ दोगे प्रभु नहीं, को? नहीं, 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 नहीं बिल्कुल। मेरा नाम सनी। तो आप क्या ईसाई हैं? नहीं मैं सही हूँ। अच्छा, तो मतलब क्या आप कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं? मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूँ। तो ये ईसाई लोगों की सभा में आप क्या कर रहे हैं फिर? मैं प्रभु यीशु मसीह को प्रभु मानता हूँ, इसलिए प्रभु यीशु मसीह की इस शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए आया हूँ। मतलब प्रभु यीशु मसीह को प्रभु मानते हैं, क्या इन्होंने पैसे वैसे दिए हैं आपको धर्म बदलने के लिए? नहीं, पैसा बिल्कुल नहीं दिया गया है। मैं बताना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह को प्रभु क्यों मानता हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा काम किया है, और इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह को प्रभु मानता हूँ। मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन से हर एक श्राप को श्रापों से आज़ाद किया है, हर एक बंधन से आज़ाद किया है। आज मैं प्रभु यीशु मसीह को प्रभु मानकर खुश हूँ,
ना ही मुझे किसी ने कोई लालच दिया है, ना ही पैसे दिए हैं। बस मेरा जीवन परिवर्तन हुआ है, ना ही कोई धर्म परिवर्तन हुआ है, ना ही पैसे दिए हैं या किसी और लालच में अपना धर्म परिवर्तन किया है। ऐसे लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उन लोगों के लिए बताना चाहूँगा कि आप सुनी सुनाई बात पर विश्वास ना करें, लोगों के पास जाएं और उनसे पूछें कि सच में उनके पर्सनली आप उनसे जाके मिले कि क्यों यीशु मसीह को प्रभु मान रहे हैं और वो क्यों यीशु मसीह के पास जा रहे हैं। ये बिल्कुल अफवाह है कि लोग पैसे देकर उन लोगों का धर्म परिवर्तन करते हैं, ये 0% भी सही बात नहीं है। डॉक्टर महेशचंद्र, ये हो रहा है, ये सब यात्रा है हमारे प्रभु यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है, पूरे जगत का उद्धार करता है। तो आप ईसाई हैं क्या? हाँ, अरे नहीं, हम विश्वासी हैं, नॉट ईसाई। आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? हाँ, विश्व पे विश्वास करते हैं। अच्छा, वैसे नॉट ईसाई, ना क्रिश्चियन। वैसे किस धर्म से हैं आप? हिंदू धर्म से हैं। अच्छा, तो आपको क्या पैसे वैसे दिए किसी ने यहाँ पर? एक पंजी भी नहीं दी किसी ने, पैसे पूछे नहीं मिलते यहाँ पे। यहाँ पे मुक्ति मिलती है, शांति मिलती है। तो आपने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया? नहीं, कोई धर्म परिवर्तन नहीं है, हमने अपना जीवन बचाया है। वो कैसे? हाँ जी, प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता जिसने हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान दे दी और मौत पर जय पाई है, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ। लोग तो कहते हैं कि आप पैसे यार राशन के चाहे लालच में धर्म परिवर्तन कर लिया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो वो ऐसा लोग बोलते हैं वो सब भरम फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं वो लोग। धर्म परिवर्तन कोई किसी का नहीं करवाता, सब लोग अपनी मर्जी से आते हैं। जिसको चंगाई मिलती है, अच्छाई मिलती है और जिसको शांति मिलती है, वो सब लोग यहाँ पे आते हैं, किसी को कोई पैसा नहीं मिलता। हाँ जी, बहुत खुश हूँ मैं प्रभु यीशु मसीह में आके। अच्छा, अगर आपको कोई डराए धमकाए, कोई बोले आपने धर्म परिवर्तन करा? नहीं, तो आप क्या करेंगे? धर्म परिवर्तन नहीं परिवर्तन करा, हम उसको ना प्रभु यीशु मसीह के नाम में यीशु मसीह के पास लेके आएंगे। और अगर आपको कोई बोले कि आपको 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा? नहीं, हम तभी यीशु मसीह को छोड़ दो। नहीं, हम तभी भी इनकार नहीं करेंगे, कभी भी नहीं छोड़ सकते हम। खुदा को नहीं छोड़ सकते, हम पैसों को छोड़ सकते हैं। अब आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए? हम आए यीशु को यात्रा में। अच्छा, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं हूँ, अभी बताऊँ, राम दरबार से। नहीं नहीं, रहने वाले कहाँ के हैं? रहने वाले मैं हूँ नैनीताल के। नैनीताल? अच्छा, और फिर यहाँ? अच्छा, आपको किसने बताया प्रभु के बारे में? अच्छा, प्रभु में आके क्या मिला आपको? बहुत आशीष। अच्छा, मतलब खुश है प्रभु में रहके? किसी ने आपको पैसे दिए प्रभु में आने के लिए? नहीं, हमें नहीं दिए। अच्छा, कोई लालच दिया हो? कुछ नहीं। तो 1 लाख 2 लाख किसी ने दिया? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, मतलब आप प्रभु में खुश हैं? खुश हैं। और प्रभु में बने रहेंगे मजबूती से? आपका नाम क्या है? मैं विनोद लाल। तो आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए? मैं प्रभु यीशु की शोभा यात्रा में आया हूँ। यहाँ पर मतलब कौन से लोग इकट्ठे होते हैं? यहाँ पे जो वैसे समुदाय तो अलग अलग होता है, परंतु जो यीशु मसीह के विश्वास से जीने वाले लोग हैं और जीवन का पुनरुत्थान पाने वाले लोग हैं, वो लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो आप क्या ईसाई हैं? नहीं, मैं ईसाई भी नहीं, हमारा जातिवाद से कोई ऐसा संबंध नहीं है। हमारा बेसिक, हम अगर जातिवाद पे देखो तो मैं हिंदू जाति से बिलोंग हूँ और उत्तराखंड से हूँ। अच्छा। पर यह है कि हमारी अपनी एक आस्था है कि जिस पे हमें विश्वास है वो जिंदा यीशु ही है। तो यहाँ पे आने के लिए क्या इन्होंने पैसे वगैरह दिए आपको? नहीं, पैसे वाली तो कोई ऐसी बात नहीं है, पैसा कौन लेगा? कोई हम प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं कि हम पैसा लेंगे, हम तो एक अपनी आस्था के रास्ते में चले हुए हैं जिसमें हम प्रभु यीशु तक पहुंचने का जरिए है। तो और यहां पर ये टोटल लगभग कितनी भीड़ इकट्ठी हो रही है? ये कम से कम होगा अंदाजा 5,000 के लोग का समथिंग होगी। और ये सारे ईसाई हैं? नहीं नहीं, इसमें हिंदू लोग ज़्यादा हैं, ईसाई का कोई ऐसा मायने नहीं है कि ईसाई लोग ज़रूरी है। इसमें हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख भी हैं, सरदार लोग भी बहुत हैं।